दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपका भी मोबाइल फोन काफी ज्यादा हैंग कर रहा है गाइज, और आप जो यहां पे कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं काफी ज्यादा स्लो ओपन होता है, काफी ज्यादा आपको यहां पे जो है गाइज जो है गेमिंग करते हैं तो काफी ज्यादा स्लो अपना फोन जो है फील होता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन को काफी ज्यादा फास्ट बना सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी तो यहां पे कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइज, जो भी एप्लीकेशन आपका बैकग्राउंड में रन कर रहा है और उसको बैकग्राउंड डाटा की जरूरत नहीं है तो उसका बैकग्राउंड डाटा सबसे पहले आपको ऑफ कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है जिनको बैकग्राउंड डाटा की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे एयरटेल का ऐप है या गेम आपका कोई है, गेम जब भी आप खेलते हैं तभी तक खेलते हैं, बाकी बैकग्राउंड में इनका कोई भी काम नहीं होता। तो आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ऐप इन्फो पे जाना है और यहाँ पे गाइस स्टोरेज डाटा यूजर्स पे जाना है और यहाँ पे बैकग्राउंड डाटा को हमेशा ऑफ करके रखना है। साथ ही साथ बैटरी यूजर्स पे जा करके गाइस यहाँ पे बैकग्राउंड जो है बैटरी यूजर्स को भी ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा गाइस कि बैकग्राउंड में आपका जो एप्लीकेशन है वो रन नहीं करेगा फालतू में, और आपको यहाँ पे फालतू में आपका ना ही ज़्यादा बैटरी जाएगी, ना ही ज़्यादा डाटा जाएगा, ना ही आपका फ़ोन जो है वो हैंग करेगा। अब कुछ एप्लीकेशन है जैसे यहाँ पे यूट्यूब म्यूजिक है तो इसको बैकग्राउंड डाटा की ज़रूरत है, क्योंकि भाई अगर आप बैकग्राउंड में प्ले करते हैं गाने को तो बैकग्राउंड डाटा अगर ऑन नहीं होगा तो आपका गाना रुक जाएगा चलते चलते। इसलिए जो भी एप्लीकेशन में बैकग्राउंड डाटा की जरूरत है उसका ही बैकग्राउंड डाटा ऑफ ऑन रखें, बाकी यहाँ पे जो बैकग्राउंड डाटा है उसको ऑफ कर दें। तो ये सब गाइज आपको मैनुअली करना पड़ेगा, जो जो एप्लीकेशन का आपको नीड नहीं है उसका आप जो है मैनुअली कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे दूसरा सेटिंग क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है, ऐप्स में आना है और ऐप्स में आने के बाद में ऐप मैनेजमेंट में जाना है। अब यहाँ पे गाइज कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो आपके फोन में इंस्टॉल्ड होते हैं लेकिन आपको पता भी नहीं होता, वो आपका यहाँ पे जो है फोन को काफी ज्यादा स्लो कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो भी एप्लीकेशन आपके काम का नहीं है उसको सबसे पहले आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल डिलीट कर देना है। कुछ एप्लीकेशन होंगे जो डिलीट नहीं होंगे तो उनको डिसेबल कर देना है, जैसे यहाँ पे इंटरनेट है ये अनइंस्टॉल नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे मोबाइल के साथ में आया था ये। जब आप नया नया फोन खरीदते हैं तो बहुत सारी मोबाइल कंपनीज है जो आपको यहाँ पे ढेर सारा जो ब्लॉटवेयर है वो भर के दे देती हैं आपके फोन में, तो उनको या तो अगर आप अनइंस्टॉल हो तो अनइंस्टॉल कर दीजिए, अनइंस्टॉल नहीं हो रहे तो आप डिसेबल कर दीजिए। तो ये काम कर लेना, इससे आपका फोन काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा फास्ट हो जाएगा। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज का, अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सेटिंग में सर्च कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है स्टोरेज, तो स्टोरेज लिख के सर्च करना है तो यहाँ पे गाइज स्टोरेज आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टोरेज वाले पे जाना है, यहाँ पे गाइज चेक कर लेना है कि आपके फोन का स्टोरेज कौन कौन सा यहाँ पे गाइज जो है फाइल ज्यादा ले रहा है। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन वाला यहाँ पे देख सकते हैं इतना जो है हमारा स्टोरेज कवर कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे एपीकेज है तो ये एपीकेज ऑलरेडी फोन में इंस्टॉल्ड है, इनकी फाइल आप चाहे डिलीट कर सकते हैं। वीडियोज फोटोज जो बड़े साइज के हैं जिनकी जरूरत नहीं है गाइज उसको आप यहाँ से देख करके डिलीट कर दीजिएगा। इसके बाद में बैटरी के सेक्शन पे आना, बैटरी के सेक्शन पे आने के बाद में यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर देना है, आपको ऑप्टिमाइज यहाँ पे ऑप्टिमाइज बैटरी यूजेस पे जाना है और एक बार आप जो है बैटरी को यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर देना थोड़ा सा, तो इससे यहाँ पे जो बैकग्राउंड में रनिंग एप्लीकेशन होंगे उसको ये ऑटोमेटिकली जो है ऑफ कर देगा और इससे भी आपका फोन काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है। गाइस जब आपके फोन पे काफी ज्यादा बर्डन पड़ता है, काफी ज्यादा भार आता है, तभी आपके फोन की बैटरी भी जल्दी जाती है और फोन हैंग भी होता है। तो बैटरी का यहाँ पे बहुत बड़ा जो है यहाँ पे रिलेशन है, अगर माने अगर फोन हैंगिंग के साथ में अगर आपका फोन ज्यादा हैंग करता है, स्लो चलता है तो आपकी बैटरी भी बहुत ज्यादा स्पीड से जाएगी। यहाँ पे आपको सेटिंग में आना है, अबाउट डिवाइस में आना है, यहाँ पे रैम देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके फोन में रैम एक्सपेंड करने का कोई भी ऑप्शन है तो आप यहाँ से रैम को एक्सपेंड कर दीजिएगा, ये वर्चुअली आपके रैम को बढ़ा देता है 4GB 6GB आपके फोन के स्टोरेज से जो है स्टोरेज को कम कर देता है थोड़ा सा, और यहाँ पे उसकी जगह पे ये वर्चुअल रैम बना देता है। तो ये अगर आपके फोन में है तो आप थोड़ा वर्चुअल रैम को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा इंक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 4GB मैंने इंक्रीज करके रखा है तो ये भी आप कर लीजिएगा। प्लस यहाँ पे एक बहुत ही खास ऑप्शन है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसके लिए आपको अबाउट डिवाइस पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे गाइज आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे वर्जन के ऑप्शन पे। यहाँ पे गाइज आपको बिल्ड नंबर पे गाइज यहाँ पे 3-4 बार 5 बार यहाँ पे प्रेस करना है गाइज। इसके बाद में गाइज आप जो यहाँ पे डेवलपर हो जाएंगे, अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद में गाइज यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं यू आर नाउ डेवलपर। अब आपको यहाँ पे डेवलपर मोड में जाना है, यहाँ पे मेरे में जो डेवलपर मोड है वो एडिशनल सेटिंग में मिल जाता है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो है सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे गाइज आपको यहाँ पे चले जाना है, डेवलपर ऑप्शन पे जाएंगे, डेवलपर ऑप्शंस को ऑन कर देना है, ऑन करने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा विंडोज एनिमेशन स्केल। अब यहाँ पे गाइज आपको थोड़ा सा नीचे आना है और आपको यहाँ पे विंडोज एनिमेशन स्केल आपको देखने को मिल जाएगा। तो विंडो एनिमेशन स्केल में गाइज यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑफ कर देना है, यहाँ पे पहला वाला ऑफ कर देना है, दूसरे वाले में आना है गाइज तो यहाँ पे इसको भी ऑफ कर देना है, तीसरे वाले में ड्यूरेशन स्केल इसको भी ऑफ कर देना है। इससे आपका फोन काफी ज्यादा ऐप ओपनिंग स्पीड जो है काफी ज्यादा यहाँ पे फास्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे इतनी सारी सेटिंग आपको कर लेनी है। अब गाइज मैं यहाँ पे आपको बहुत ही खास जो है यहाँ पे सेटिंग बताने वाला हूँ, वो आपको यहाँ पे करना है। अब क्या करना है गाइज, आपको बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिनमें गाइज जो है यहाँ पे
कैशे मेमोरी इकट्ठा होती रहती है। जब भी आप एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो कैश मेमोरी इकट्ठा हो जाती है, और कैश मेमोरी किसी के काम की नहीं होती, तो कैश को क्लियर करते रहना है। जैसे यहाँ पे स्टार मेकर है, इसको मैंने लॉन्ग प्रेस किया, ऐप इन्फो पे गया, ऐप इन्फो पे जाने के बाद में स्टोरेज पे जाना है, और यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर कैशे है, तो क्लियर कैशे पे जा करके गाइज आपको यहाँ पे कैश क्लियर कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे 329 MB का कैश है, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। आपको हर एक एप्लीकेशन में चेक कर लेना है कैश, यहाँ पे जितना भी बनता रहे इसको क्लियर करते रहिएगा, ताकि आपका स्टोरेज जो है फ्री रहे हमेशा, और यहाँ पे आपका फ़ोन हैंग ना करे। अब जैसे यहाँ पे पिक्स आर्ट है, इस पर मैंने लॉन्ग प्रेस करके रखा, ऐप इन्फो पे गया, और यहाँ पे गाइज आपको डाटा यूसेज आपको यहाँ पे स्टोरेज पे जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कैश है, 1.32 GB का केवल और केवल कैश पड़ा हुआ है, जो कि किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली इसको क्लियर कर दीजिएगा, ये आपके फ़ोन में किसी भी फाइल को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी फाइल आपकी डिलीट नहीं होगी, कैश मेमोरी आपके किसी काम की नहीं होती। तो कुछ ऐसे करके गाइज आप अपने फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।